आज हम लोग सबसे ज्यादा हॉट ट्रेंडी जो मोबाइल जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चे में है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। Xiaomi 12T और Xiaomi 12T Pro है ये मोबाइल बेसिकली अपने कैमरे की वजह से चर्चे में है। आगे वीडियो में बताते हैं, जब तक कि अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, जल्दी से पहुंचते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इन दोनों मोबाइल फोन्स की स्क्रीन और डिस्प्ले पे आ जाते हैं। अगर ये बात करें तो दोनों ही के अगर स्क्रीन आप देखना चाहोगे तो दोनों के सेम है, 6.6 इंचेस की स्क्रीन है जिसमें कि आपका जो है HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, AMOLED स्क्रीन है, मतलब और मालूम है इसमें जो जैसे पहले नॉर्मल हम लोग देखते थे 1 बिलियन कलर्स आते थे नॉर्मल मोबाइल्स में, इसमें हम लोगों को 68 बिलियन कलर्स मतलब देखने को मिलेंगे। इससे बेसिकली आप एक एक करके गिन तो नहीं सकोगे, मगर फिर भी जब मोबाइल देखोगे ना तो उसमें कलर्स जो भी चीजें होंगी, जो भी आप फोटोज खींच रहे हो, जो भी चीजें आ रही हैं, उसमें कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा वाइब्रेंट आएंगे और आपको और इंटरेस्टिंग इमेजेस देखने में मिलेंगी। ये दोनों ही फोन 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, मतलब बहुत स्मूथ वर्क करने वाले हैं। अब इनके प्रोसेसर या चिपसेट और इनकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही मोबाइल फोन में थोड़ा सा स्पीड में अंतर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों के प्रोसेसर अलग है। आपका Xiaomi 12T का जो प्रोसेसर आ रहा है वो आ रहा है MediaTek Dimensity 8100 अल्ट्रा पे। Xiaomi 12T Pro में जो आपका प्रोसेसर आ रहा है वो है Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, मतलब ये बेसिकली बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड में हम लोगों को अंतर देखने को मिलेगा दोनों ही फोन्स में, प्रोसेसिंग स्पीड में, गेमिंग में हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मगर अगर दोनों को इंडिविजुअली आप कंपेयर करो कि मतलब इस फोन को इस फोन के साथ ना कंपेयर करो तो ये दोनों ही फोन्स आपके लिए अलग लेवल के होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही में कैमरे पे आते हैं। चलो दोनों के कैमरे सुनो, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर मेन कैमरे की बात करें तो Xiaomi 12T का जो मेन कैमरा है वो आपका 108 मेगापिक्सल का वाइड है और जो आपका 12T Pro में जो कैमरा आ रहा है वो आपका 200 मेगापिक्सल, मतलब आप समझ रहे हो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है जिससे आप कई चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक तो फोटो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, प्रो में हम लोग 8K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब आप सोच रहे हो 8K वीडियो क्वालिटीज बहुत हाई एंड वीडियोज होती हैं, मतलब जो वीडियो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ऑफ कोर्स यार 200 मेगापिक्सल का कैमरा एक इनसेन नंबर है यार मेगापिक्सल्स में। और Xiaomi 12T में जो आपकी वीडियो क्वालिटी आने वाली है, जो आप वीडियो आप जिसपे शूट कर सकते हो वो आप आराम से 4K पे वीडियो शूट कर सकते हो 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में। ये बेसिकली वो वीडियो क्वालिटी होती है जो मेजरली लोग यूज करते हैं YouTube पे, आपका जो भी वीडियोस लोग बनाते हैं वो इसी फ्रेम्स क्वालिटी मतलब इसी वीडियो क्वालिटी पे वो बनाते हैं। और इन दोनों ही यार ड्रिल मशीन लेके चालू हो गए, चलो इग्नोर करना इसको। अगर अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करें तो हम लोगों को दोनों ही मोबाइल फोन्स में 12T में और 12T Pro में हमको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का हमको मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। मैक्रो लेंस बेसिकली वो लेंसेज होते हैं जो नजदीक के शॉट्स खींचने के लिए यूज किए जाते हैं। अब सेल्फी कैमरे भी आते हैं। सेल्फी कैमरा वाकई में 20 मेगापिक्सल का है, जनरली लोग नहीं दे रहे हैं इस टाइम पे, कंपनीज नहीं दे रही हम लोगों को ज्यादा मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे, मगर इन्होंने जो है 20 मेगापिक्सल का हम लोग को फ्रंट कैमरा दिया है जो कि फोटो क्वालिटीज में हम लोग काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि हाँ इससे हम लोग कुछ अच्छी फोटोज और नॉर्मल जो है वीडियोस जो है आप कैप्चर कर पाएंगे। अब बैटरी पे आ जाते हैं यार। बैटरी में सबसे अच्छी चीज ये है कि 5000 एमएएच की बैटरी आ रही है पहले तो, उसके बाद 120 वाट की फास्ट चार्जिंग, मतलब आप ये समझो आपने नॉर्मल मोबाइल चार्ज पे लगाया, दोनों ही में कि आप जैसे ही चार्जिंग पे लगाओगे, चार्जिंग पे लगाने के बाद 19 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज, मतलब आप समझ रहे हो 120 वाट की फास्ट चार्जिंग इतना तेज चार्ज करती है। अगर प्राइसेस की बात करें तो अभी ये फोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं तो प्राइसेस कंफर्म नहीं हुए हैं, कुछ गलत बताना सही नहीं होगा कि आपको कोई भी एक अजम्पशन दे दें। अगर 12T को यूरो में देखा जाए तो लगभग ये जो है आपका 48,000 या 50,000 रुपीस के आसपास आ रहा है और 12T प्रो के प्राइसेस की बात करें तो यूरो के हिसाब से ये आपको जो है अभी 65,000 रुपीस के आसपास मिल रहा है, मगर ये इंडिया में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70,000 से 75,000 रुपए के आसपास ये आएगा, मगर ये वर्थ इट होगा क्योंकि यार 200 मेगापिक्सल का कैमरा हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, चीज कमाल की होने वाली है। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करो ना करो कर दो यार सब्सक्राइब कर देना। ओके टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करो ना करो लाइक कर देना, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करिएगा। ये लोग नहीं रुक रहे हैं, जो कि इंडिया में हम लोग को 50,000 से 60,000 रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। अगर 12T Pro जो कि इंडिया में हम लोग को 50,000 से 60,000 जो कि हम लोग इंडिया